Hello. से आए हुए 26 पेशेंट्स को आर्टिफिशियल लिम्ब प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जून महीने में हुई थी, जब इस मेडिकल कैंप के स्टेज वन में राइजिंग स्टार ब्रिगेड के ट्रुप्स और कॉलेज हेल्थ पार्क की मेडिकल टीम ने घर घर जाकर 150 से भी अधिक डिसेबल्ड साहब, उनके साथ हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व वन मंत्री, जिनका हमारे इस इलाके के बेहतरी और तरक्की और खुशहाली के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा, उनका भी, श्री राजीव जसरोटिया जी का भी स्वागत करता हूं। यहां पर उपस्थित प्रिंसिपल साहब, ऐतिहासिक दिन है। आज से पहले नगरी की धरती पर शायद ही कोई आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर यहां पे आना हुआ होगा। ये हमारे लिए
बड़े गर्व की बात है। और जो आर्मी द्वारा हमारे यहां इतने बड़े स्तर पर ये जो मानवता के आधार पर यह कार्यक्रम किया गया, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं अपने वर्दी हमारे कोर कमांडर साहब का, जिन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला और हमारे लोगों का यहां उत्साह बढ़ाने के लिए आए, हौसला अफजाई के लिए यहां पर आए, इसके लिए अभी आपका धन्यवाद। सर, हमारी भारतीय सेना न केवल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है, बल्कि मानवता के क्षेत्र में भी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना में से मानी जाती है। और उससे भी बड़ी बात कि मानवता को लेकर भारतीय सेना ने हमेशा हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हमारे देश के गरीब बेसहारा नागरिकों को हर संभव मदद करने को भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और आज जो मदद इस नगरी तहसील कठुआ जिला के लोगों को आपकी तरफ से मानवता के आधार पर दी जा रही है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं देख रहा था कि दो दिन पहले जब यहां पे एक ट्रायल बेसिस पे आज ये देख के बड़ा सुकून मिला कि हमारे भाई बहन जिनके अंग ब्रिगेडियर चिल्लर कमांडर 84 इन्फेंट्री ब्रिगेड श्री राहुल यादव डीसी कठुआ, श्री रमेश चंद्र कोटवाल एसएसपी कठुआ, श्री राजीव जसरोटिया एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर जेएनके गवर्नमेंट के, दिल्ली से आए हुए कॉलेज पार्क हेल्थ केयर फर्म के मेडिकल टीम, हमारे बीच बैठे एक्स सर्विसमैन एंड वेटरन्स और इवेंट में मौजूद सारे आवाम, आज मुझे बेहद खुशी है कि इंडियन आर्मी के ऑफ सद्भावना प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो अभियान शुरू किया था, जिसमें हमने कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स के फिजिकली चैलेंज पेशेंट्स को मेडिकल इक्विपमेंट देकर उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिश की थी या एक नया जीवन देने की कोशिश की थी, वो आज इस इवेंट के साथ पूरा हो रहा है। हमारे कोर हमेशा से ही अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आवाम और उनकी जरूरतों के लिए हर साल ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट का पूरा करते हैं। इस साल भी हमने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए पूरा किया है। मैं आशा करता हूं कि आज जिन 26 पेशेंट को हमने आर्टिफिशियल लिम्ब और मेडिकल इक्विपमेंट दिया है, इसके उनको रोजमर्रा को जो काम है उसमें करने में काफी मदद मिलेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 9 कोर आगे भी आपके जरूरतों के मुताबिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में असिस्ट करता रहेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कॉलेज पार्क हेल्थ केयर की मेडिकल टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने पिछले 5 महीने के अंदर 3 स्टेज में कैंप लगाया और बहुत मेहनत और लगन से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। मैं आज इस मंच के द्वारा आपकी मेडिकल टीम, यहां उपस्थित सभी सिविल डिग्निटरीज, मीडिया पर्सनल और हमारे वेटरन्स के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं नगरी परोल के म्युनिसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट श्री अनिल मिस्टर जगजीत सिंह और नगरी परोल के
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हर तरह से इस इवेंट को ऐसे बनाने के लिए हमारी मदद की। ये मेरा सौभाग्य है कि इस इवेंट के साथ साथ मैं आप सब से भी मुलाकात कर सका। मैं कमांडर 84 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 16 सिख लाइट इन्फेंट्री यूनिट की पूरी टीम की सराहना करता हूं जिन्होंने बहुत कम समय में और काफी प्रोफेशनल तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी और नाइन कोर की कोशिश यूं ही जारी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आगे भी इसी प्रकार अपने योगदान और सहयोग देते रहेंगे। देश को आगे बढ़ाना, देश को मजबूत बनाना, ये हर देशवासी का जिम्मेवारी है। मैं हमारे बीच में उपस्थित स्टूडेंट्स को यही बताना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और अपना ड्रीम, अपना पैशन जो है उसकी ओर ध्यान दें। चाहे जो भी प्रोफेशन हो, चाहे सर्विस प्रोफेशन हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, जहां भी आप जाएं, याद रखना अपना पूरा तन मन लगा के काम करें एंड बिकम अ प्राउड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जय हिंद, जय भारत। जो दिव्यांगजनों की सहायता हुई है, हमें आर्टिफिशियल लिम्स मिले हैं। मैं मनदीप नागरा हूँ और गांव चकसलरी से, और हमारे पास के गांव कैरावाली में आर्मी ने कैंप लगाया था और ये आर्टिफिशियल लिम्स जो 3-4 महीने से हमारे जो है माप लिए थे, आज हमें आर्टिफिशियल लिम्स मिले हैं, तो थैंक्स है। और ऐसे जो महान कार्य हैं भगवान विष्णु जी की कृपा से ही संभव हो पाते हैं। और एक छोटी सी कविता जो है मैं सुनाना चाहूँगा। रोम रोम ओम ओम बोले राम तेरे द्वारे कृष्णा तेरे द्वारे, रोम रोम ओम ओम बोले राम तेरे द्वारे कृष्णा तेरे द्वारे, अपना जे जीवन महात्मा पर तेरे ही सहारे, रोम रोम बोले महात्मा तेरे द्वारे कृष्णा तेरे द्वारे, चरणों की तेरी ऐसी शाम मिली हमें, तेरी करुणा की महात्मा पर नाप जे मिली है हमें, डर नहीं ना कोई शंका जीवन की राहों में, समाधान रूपी भजनों की शाम है मिली हमें, कृष्णों के तेरे द्वार रला दर सारे, रोम रोम ओम ओम बोले राम तेरे द्वारे कृष्णा तेरे द्वारे, बड़े भाग्य से हमको जे महात्मा पर मिला है, ईश्वर कृपा का ही जे एक सिलसिला है, चरणों की तेरे हम दूली मात्र बन जाएं, ना दूजी तमन्ना ना कोई शिकवा गिला है, चरणों में तेरे पाए तीर्थ धाम सारे, रोम रोम ओम ओम बोले राम तेरे द्वारे कृष्णा तेरे द्वारे। भक्ति इंडियन आर्मी हमेशा जो है सिर्फ हम यू नो हमारे जो एडवर्सरी है या दुश्मन है सिर्फ उनके साथ सिर्फ तो उनके साथ तो लड़ाई करते ही हैं और प्रोटेक्ट करते ही हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया में खासकर जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको देखभाल करना वो हमारा फर्ज बनता है। एंड जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं, जहाँ भी उनका लाइफ जो है थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है। और हमारा कोशिश ये है कि हर बॉर्डर एरिया में चाहे स्कूल्स हो, चाहे कुछ फैसिलिटीज हो जैसे, और चाहे लोगों का ज़िंदगी को आसान बनाना है, वो सब चीज़ में इंडियन आर्मी जुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है और हमेशा ऐसे जो है काम करते रहेंगे। उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको देखते हैं कि अपने पाँव में चल रहे हैं अपने, और फिर अपना नया ज़िंदगी जो है वो एक नया ज़िंदगी शुरुआत करते हैं। और हर आदमी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत को एक मजबूत देश बनाने के लिए हर भारतवासी को अपना योगदान है, और हर आदमी जो है चाहे वो फिजिकल चैलेंज हो जो भी हो उसका भी योगदान है। और हमारा काम है जो हम फिट रहते हैं इन फिजिकली चैलेंज लोगों को भी साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कुछ प्लान है, हम बाकी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से भी बात कर रहे हैं और फिर नॉर्मल हमारा इंटरेक्शन ये म्यूनसिपल कमेटी वगैरह से भी जब होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स वो फॉरवर्ड जो वो करना चाहते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं और वो प्रोजेक्ट को हम आगे ले चलते हैं।
थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से और विशेष तौर जिला कठुआ और नगरी कस्बे की तरफ से आर्मी वालों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरीके का एक कार्यक्रम सद्भावना के तहत यहाँ पे इस टाउन में आयोजन हुआ और पहली बार इस टाउन में इतना बड़ा ऑफिसर आर्मी का पर्सनली इनिशिएटिव लेकर यहाँ पे आए और लगभग 26 लोगों को एड्रेस किया है जो उनकी समस्या थी जो लिम्स को लेकर और जो भी कार्यक्रम की तरफ से उसकी हम सराहना करते हैं और इनका आभार भी प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं और लगता है कि इस कार्य से उनको कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिलेगा। और वैसे भी हमारी कोर कमांडर साहब से बात हुई है, हमने कहा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर तहसील है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ ऐसे इनिशिएटिव इन फ्यूचर में भी ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए और लगता है वो सारी बातें विश्वास दिलवा के दे हैं कि ऐसे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरा जो म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान साहब हैं अनिल जी ने एक उनके आगे अनुरोध किया था कि एक अच्छा इनिशिएटिव और विशेष तौर म्यूनसिपल कमेटी की टीम को बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने पर्सनली इसका इनिशिएटिव किया और लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसे भी कार्यक्रम आगे भी होते रहे। यही किसका सहारा लेना पड़ता था तो अभी यही था। अभी कितना मतलब आपको आसान हो जाएगा जीवन में एक चलना है किसी सकता हूँ तो अच्छा लग रहा है। अच्छा सेना हम देखते हैं कि बॉर्डर से लेके आम आदमी के घर तक पहुंच रही है, तो क्या क्या सेवा कर रही है और आप किस प्रकार उसकी सहयोग कर रहे हैं? तो मोदी भाइयों का तो है कि जो सेवा कर रहे हैं वो बॉर्डर पे हैं, यहाँ है, हर जगह पे हैं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सेना को कैसे सल्यूट करेंगे? सेना को कैसे करेंगे सल्यूट को जी दिल से करेंगे ना जी जी थैंक यू और दिल से शुक्रिया करेंगे। बहुत ही थी वैसे चलने फिरने की बाहर अंदर जाने की जी बहुत मुश्किल थी, तो अब चलो अच्छा लग रहा है जी। चलो भाइयों की कृपा है, मेहरबानी से अच्छा हो गया, तो चलने फिरने के लिए काबिल है, तो अपने किसी का चलो सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या समझे एक टांग लगाने में कितना खर्चा आता है? मालूम नहीं, लाख दो लाख रुपया आता होगा। हाँ जी आता होगा। तो गरीब आदमी क्या पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते।